हेलो हाय दोस्तों। देखो, मैं कुकिंग टिप्स छोटी सी खाने जा रही हूँ जो हम सबको, खास करके स्टूडेंट को, जिन वर्किंग लेडी को बहुत ही ठंड बहुत ज़्यादा है दोस्तों, परेशानी होती है। वो मैंने देखा है कि वो छिले हुए लहसुन ऑर्डर करके ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और मंगवाते हैं। मैं उसी का सलूशन दिखा रही हूँ। देखो दोस्तों, मैंने एक गिलास पानी ले लिया है। अभी मैं पानी को ऐसे छू रही हूँ, ये बहुत गर्म नहीं हुई है, थोड़ी और गर्म हो जाती है तो मैं दिखलाती हूँ कि कुकिंग के लिए ये छोटे मोटे टिप्स आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। देखो दोस्तों, ये चार लहसुन है, मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अब मैं बंद कर देती हूँ। अभी से बंद, अगर आपको जल्दी है तो आप इसे 2 मिनट इसमें रहने दो और देखो कैसे फटाफट ये आपके काम की लायक, किचन में कितनी मदद करती। देखो दोस्तों, गर्म हो गई है। आप देख रहे हो एक ऐसे लहसुन पानी पे तैर रहे हैं, ठीक है। अब अगर प्याज भी जल्दी में छीलनी हो तो इसे भी 2 डाल देती हूँ और देखो मैं कैसे इसको, बस हाथ से ही देखो आप, एक बार में मैंने छील दिया। इसे देखो कितनी आसानी से इसके छिलके आप निकाल सकते हो। और दिखाती हूँ, मात्र आप 2 से 3 मिनट में ही इसको आसानी से, कोई परेशानी नहीं होगी। और सब्जी के लिए, पराठे के लिए, किसी चीज़ के लिए आप बहुत आसानी से इसको, ये अच्छी नहीं है, इसको मैंने हटा दिया। और प्याज को भी दिखाती हूँ दोस्तों कितनी जल्दी रेडी हो गई। देखो आप इसे भी बहुत आसानी से, देखो कितने आसानी से निकल गए। आपको हाथ से भी आप इसको देखो, चलो दूसरी दिखा देती हूँ। देखो बहुत आसानी से आप इसको रेडी कर सकते हो। देखो आपको बहुत जल्दी है, आप 2 लोग हैं, फटाफट 2 ही छील लो, 4 बना लो, 2 प्याज छील लो, थोड़ी लहसुन छील लो। अगर इसको इसी तरह से पानी में छोड़ देते हो तो आप इसको आराम से बहुत कुछ 2, 4, 1 सप्ताह के लिए आप छील कर इसको किसी डब्बे में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो और आप उसको जब जरूरत हो आप फटाफट निकालो और यूज कर लो। ओके दोस्तों, और भी छोटी छोटी टिप्स मैं आपको शेयर करूंगी। आप मेरे चैनल गुड आइडिया गुड वर्क सुनीता देवी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, डिसलाइक भी करें दोस्तों। ओके बाय।